नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके सामने हेमा थिप्री और मेरे चैनल फिट एंड ग्लैम विद हेमा पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज एक्चुअली वो थोड़ा सा मैं सोच रही थी, मैं आज जल्दी जल्दी वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन है, घर पे टाइम भी निकालना है, लेकिन मेरा तो खैर बिजनेस चल रहा है, ठीक है, तो टाइम निकल जाता है। बट एक चीज़ बड़ी बेकार लग रही है कि मेरा कैमरा जो है नहीं अभी मेरे पास, एंड अभी गया हुआ है इंदौर सर्विस पे, तो यहाँ पे उसका सर्विस सेंटर नहीं है एंड इंदौर भी गया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मतलब कैमरे को मिस करी, मुझे फ़ोन से वीडियो बनाना पड़ रहा है एंड दिस इज़ माई रूम, ठीक है। तो वही इतनी सारी बातें हो गई, लेकिन जो मेन वीडियो जिस चीज़ के ऊपर है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मीन्स आज की वीडियो हमारी, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, COVID-19 चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, लॉकडाउन जिसके चक्कर में अभी हुआ पड़ा है, मोदी जी ने सबको घर पर बैठने के लिए कहा है। तो आज का जो वीडियो है, मैंने जैसे कि पहले भी बताया था, ग्लॉय सेश, एक्चुअली ये वीडियो मैं आपको क्लियर करने के लिए बना रही हूँ। कुछ सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और उनको लग रहा था कि भाई कोरोना का वैक्सीन नहीं आया और भाई ये बंदी तो अपना जूस बेच रही है। नो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्लॉयसेस जूस जो मैंने आपको बताया था कि वो बहुत ऑसम ब्लॉसम है, आप लोग बिलीव नहीं मानेंगे, एंड वो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि आप सभी लोग जानते। चलिए नॉर्मल बात कर लेते कि अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम, कौन से लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिनकी इम्यूनिटी वीक है या जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है? जिनकी इम्यूनिटी वीक, एग्जैक्टली, चलो मैं कहती हूँ, अगर कोई इंसान, ठीक है, उस मतलब जिसको वायरस है, अगर उसकी चपेट में आ जाता है, ठीक है, तो मैं कहती हूँ चलो उस बंदे को 1% चांसेस, कहती हूँ चलो 100% हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको वायरस हो जाता है। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वही बच के आया है, वो मौत के करीब नहीं गया, यानी कि वो मरा नहीं है, यानी कि वो बच के आया कोरोना वायरस का, मतलब उसको जो वायरस था वो हो गया, उसके बाद भी वो आइसोलेट होके उसके बाद घर पे वापस आया ठीक होके। कौन? जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है। मैं ये नहीं कहती कि मेरे जूस से ही इम्यूनिटी अच्छी होगी, नहीं, मेरा ऐसा कहना नहीं है। मेरा मानना ये है कि आपकी इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी आप उतना ज़्यादा सेफ है। जैसे कि मोदी जी कह रहे घर पे रहिए, मैं बहुत सारी बातें नहीं करूँगी, बट मैं आपको इतना बोलूँगी कि अपनी इम्यूनिटी का ध्यान जितना रख सकते उतना रखिए। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं एग्जैक्टली ग्लॉयसेस जूस लेती हूँ, जिसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा पर, यानी कि विटामिन सी से इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, एंड मैं वही जूस लेती हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, मेरी पहले वीडियो मैंने बनाया था पंच तुलसी और इन दोनों को साथ में, आपने देखा हो तो, एंड ये है वो जूस। अभी आपको शायद मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूँ तो प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊंगी, अदरवाइज आप मेरी उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे फर्दर डिटेल्स के लिए DM या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं, मैं इसको खुद अभी मैं यूज़ ही करने जा रही थी, अभी मैं कंज्यूम करने जा रही थी, ये बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, ठीक है, तो अभी मैं इसको यूज़ ही करने जा रही थी। मैंने सोचा कि चलो बैठी थी वेली थी, चलो वीडियो बना लेते हैं, आप लोगों को भी दिखाते कि मैं इसको कंज्यूम कर रही हूँ, एंड ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मैं आपको दिखाऊं तो ये बिल्कुल हल्का है, देखो अभी मैं आप ऑलमोस्ट एक या दो ग्लास का बचा होगा, दो चम्मच जैसे कि मैं लेती हूँ, लेकिन चम्मच वाइज में लेती हूँ, मैं स्पून वाइज नहीं लेती हूँ, मैं इसको ढक्कन वाइज लेती हूँ, ठीक है, अपन शुद्ध हिंदी वाले लोग हैं तो कैसे भी बोल लेते हैं, ठीक है। ये जैसे कि मैं अभी ले रही हूँ, ये मैंने ले लिया है, ठीक है, ये बहुत ज़रा सा इसके अंदर बचा है, और ये भी आप जैसे कि देख रहे हैं इतना मैंने लिया है, ठीक है, मैं इतना ही लेती हूँ क्योंकि मैं दो टाइम इसको पीती हूँ। ये मैंने इसलिए रख लिया कि थोड़ा सा मेरा एक गिलास और हो जाएगा, अभी लॉकडाउन है तो अभी मेरे पास आ भी नहीं पाएगा, ऑर्डर तो मैंने कर दिया है बट मुझे वेट करना पड़ेगा। ये मैंने अपने पानी में मिक्स किया इसको, एंड आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इसमें स्टील का यूज़ नहीं करना, बिकॉज स्टील से जो विटामिन सी की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ मुझे पहले आईडिया नहीं थी, बट मैंने इस चीज़ की नॉलेज हुई तो मुझे पता चला, मेरी वीडियो में मेरे से पहले भी गलतियाँ हो गई थी, मैंने कहा आपसे मैं दोबारा कोई ऐसा चीज़ ना बोल दूँ जिससे आपसे भी गलती हो जाए, तो प्लास्टिक का यूज़ करना। ये मैंने मिक्स किया एंड ये हो गया है, ठीक है, और ये मैंने इसको पूरा मतलब मिक्स करके अब मैं इसको कंज्यूम कर रही हूँ। ये मैंने ले लिया है एंड पी लिया भाई, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ग्लॉयसेस जूस है इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी है, यानी कि इम्यूनिटी के लिए बहुत बेस्ट है। अगर आपको नहीं पता इम्यूनिटी के लिए कौन सा चीज़ लेनी चाहिए, तो देखो अगर आप मेरे से सजेशन मांगेंगे तो मैं आपको उसका सजेशन बिल्कुल दूंगी, क्योंकि इससे इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। बिकॉज मैं आपको बताऊँ, इसके अंदर सी बकथॉर्न है और ग्लॉय है,
ग्लो एक जड़ी बूटी होती है जिससे कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। मैं आपको बता दूं, ठीक है, इसमें ग्लोय मिला हुआ है और ग्लोय के साथ सी बक थॉर्न के अंदर विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए प्लस ओमेगा 3, 6, 7, 9 अपार्ट फ्रॉम दिस एंटी ऑक्सीडेंट और एक वैल्यू जो कि आपका ब्लड बढ़ाता है, यानी कि आपकी खून की मात्रा को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। अगर किसी की बॉडी में खून की कमी होती है, प्लेट्स कम हो जाती है, तो डॉक्टर्स अनार खाने के लिए रिकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं, बिकॉज अनार के अंदर 10,000 और एक वैल्यू होती है एंटी ऑक्सीडेंट की। और इस फ्रूट के अंदर, जैसे कि अभी देख रहे हैं सी बक थॉर्न की बेरी बनी है, इसके अंदर 75,000 से ज्यादा एंटी ऑक्सीडेंट और एक वैल्यूज होती है। तो मेरा बिलीव मानिए, अगर आप ये लेते हैं, एक्चुअली मैं एक चीज और बता रही थी, कुछ सारे लोगों को ये एकदम से नहीं पचता है, क्यों, उसका रीजन बताती हूँ। क्योंकि एक्चुअली सी बक थॉर्न जो है हाई लेवल का, हाई लेवल मतलब इतनी सारी चीजें हैं, तो एक मतलब इसका जो है ना डोज थोड़ा सा हार्ड है, ये मैं बोल सकती हूँ, हैवी डोज है। तो देखो, जिन लोगों को आदत नहीं है कि एकदम से, जैसे फॉर एग्जांपल अब मुझे एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, मुझे मेरी बॉडी को फिट रखना, एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, और भाई मैं एक दिन में ही 2-3 घंटे लगातार मतलब एक्सरसाइज कर रही हूँ, जिमिंग कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ, तो मुझे रात में बहुत दिक्कत हो जाएगी, मैं सो भी नहीं पाऊंगी, मेरी पूरी बॉडी पेन होगी। तो मतलब आप ये चीज़ समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है अगर हम हाई एकदम से कोई भी चीज़ ले लें। तो सेम सी बक थॉर्न के साथ है, अगर आप बहुत वीक है, आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पचती हैं, तो आप ये लेना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। लेकिन आपको कैसे लेना है, आपको बिल्कुल ज़रा सा मतलब थोड़ा थोड़ा आपको टीस्पून आपको ज़रा ज़रा सा लेना, जैसे जो मैंने लिया था उसका भी आधा लो। अगर आप थोड़ा सा भी मेरे से भी ज़्यादा मतलब आपको ऐसा लगता है कि वीक है, तो भाई हम कैसे पचा पाएंगे, तो भाई कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप, अब ऐसा तो है नहीं कि यार हमें लगता है कि हम एक्सरसाइज करें तो हम करेंगे, बट थोड़ा थोड़ा करते हैं ऐसे, इसको आपको थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करना है, फिर अपना एक जो मैं बता रही हूँ आपको इतना लेना, फिर आप उतना लीजिए अपनी अपनी हेल्थ के हिसाब से, जो भी आपको लगता है आप इतना सूट कर पाएंगे, आपको इतना सूट करेगा, इतना पचा पाएंगे, उतना ही लीजिए, ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैंने सोचा चलो आज खुल के बात की जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलती हूँ, लेकिन आप ग्लोय सर्च के लिए अभी भी मैं बोल रही हूँ, मुझे DM कर सकते हैं, मेरा तो खाली हो गया है, ठीक है, अभी मैंने ऑर्डर कर दिया, आप भी ऑर्डर करवा सकते हैं, जैसे ही लॉकडाउन हटेगा आपका डिलीवरी हो जाएगी, ऑर्डर हो सकते हैं, तो मुझे DM कीजिए। ओके, गुड बाय।